चले आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल काजू और पनीर पुलाव। शायद आपने ये नहीं बनाया होगा, नहीं बनाया तो ये रेसिपी है आपके लिए। तो देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। एक बोल में हमें आधा कप ऑयल को गर्म कर लेना है और यहाँ पर लिया मैंने एक छोटा चम्मच जीरा, एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 10 है काली मिर्च, आधा जायफल, एक बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग, एक बादियान का फूल, 2 है तेज पात के पत्ते। अब इन्हें कुछ सेकंड के लिए हमें फ्राई कर लेना है और फिर यहाँ पर डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज जिसे मैंने बहुत ही बारीक काटा है। इसे हल्का सा गुलाबी होने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो देखें प्याज हमारी हल्की सी गुलाबी हो गई है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और यहाँ डालेंगे एक बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और एक बड़ा चम्मच है चिली फ्लेक्स, इसके अलावा टेस्ट के हिसाब से नमक और यहाँ पर 6 मैंने हरी मिर्चें ली थी उसे दरदरा सा मैंने ग्राइंड किया है। यहाँ 2 बड़े चम्मच लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी डाल देंगे। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और 3 से 4 मिनट तक मसालों को हमें भून लेना है। मसालों को हमने भून लिया है, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है तो हम यहाँ पर डाल देंगे दही। 3 बड़े चम्मच में दही डाल रही हूँ। दही को डालकर जल्दी जल्दी चलाएं वरना तो दही हमारी फट जाएगी और हमारा ये मसाला खराब हो जाएगा। अब दही को भी हमें अच्छे से भून लेना है। तो दही को भी हमने मसालों के साथ अच्छे से भून लिया। अब यहाँ पर डालेंगे हम काजू। काजू मैंने यहाँ पर 25 लिए हैं और काजुओं को डालकर भी हमें 1 से 2 मिनट तक मसाले के साथ भून लेना है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 4 कप पानी। मेरा कप है 250 ml का और चावल है मेरे 2 कप। इसे मैंने आधा घंटा भिगोया है, वाइट राइस है ये। अब यहाँ पर डाल देंगे और डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चला देंगे। आप यहाँ पर नमक चक्कर देख सकती हैं, अगर कम लगे तो डाल सकती हैं। अब हम इन्हें कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हाई फ्लेम पर हमें जब तक पकाना है जब तक कि चावलों का सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो आइए देख लेते हैं चावलों को। देखिए चावलों से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ढककर इसको पकाएंगे 4 मिनट। इतने हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में हम देसी घी को गरम कर लेंगे, 1 बड़ा चम्मच है। देसी घी गरम होने के बाद में यहाँ डाल देंगे 250 ग्राम पनीर और पनीर को हमें फ्राई कर लेना है जब तक कि इस पर लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लाइट गोल्डन कलर का हमारा पनीर हो गया। यहाँ टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हल्दी, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 छोटी लाल शिमला मिर्च, 1 छोटी हरी शिमला मिर्च और 1 छोटी प्याज डाली है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है और इन्हें 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि शिमला मिर्च का क्रंच बना रहे। यहाँ गैस की फ्लेम को बंद करके चलते हैं अपने चावलों की तरफ। तो जब 4 मिनट हो गए थे तो मैंने गैस को बंद कर दिया था। अब यहाँ पर हम पनीर को डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। अब यहाँ पर डाल देंगे हम हरा धनिया। आप चाहें तो यहाँ पर पुदीना भी डाल सकती हैं लेकिन मैंने नहीं डाला है। अब हम इसे एक दस्तरखान से कवर कर देंगे और रख देंगे इस पे लिड ताकि स्टीम जो है बिल्कुल भी बाहर ना जाए। अब हम इसे 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। तो जब 8 मिनट हो गए उसी के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकती हैं आप कितने मज़ेदार और खिले खिले चावल बने हैं और बहुत ही मज़ेदार हमारा ये काजू पनीर पुलाव बनकर तैयार है। इसको कर लेंगे डिश आउट। तो निकालने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना मज़ेदार बना है। आप इस काजू पनीर को एक बार जरूर ट्राई करें तो मुझे जरूर बताएं कि आपका ये पुलाव कैसा बना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।